ये दोस्तों मैं दक्षिण, आप देख रहे हैं दक्षिण वर्कआउट आइडिया। दोस्तों आज मैं आपको केटलबेल बनानी सिखाऊंगा। केटलबेल दोस्तों हमने पहले ही बनाई थी, जो एडजस्टेबल थी, जिसमें आप वेट को निकाल सकते थे और अटैच कर सकते थे, पर जो आज केटलबेल हम बनाने वाले हैं वो फिक्स वेट होगी, जिसे हम कॉन्क्रीट से बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। दोस्तों केटलबेल बनाने के लिए यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं एल्युमिनियम शीट के एक पीस का। जैसा कि आप देख सकते हैं एल्युमिनियम शीट का एक पीस है, ये आसानी से आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जो हमने इसकी लेंथ ब्रेथ ली है दोस्तों वो 20 इंचेस लेनी है, ठीक है। इसको कट कर लेना 20 इंचेस पे। उसके बाद आपको जो इसकी लेंथ लेनी है दोस्तों वो 8 इंचेस लेनी है। उसके बाद आपको राउंड शेप में इसे फोल्ड कर देना है, जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद राउंड शेप में फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपको टेप लगा देनी है इस तरह से। सिलेंड्रिकल शेप में आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर बनेंगे, इसलिए हमने इसको सिलेंड्रिकल शेप में रखा है। तो उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जीआई पाइप्स का। 6 इंचेस के हमारे पास दो जीआई पाइप हैं और मैंने बोल्ट को यहाँ पे कट कर लिया है, बड़े बोल्ट थे इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। आप चाहे तो ये छोटे बोल्ट भी ले सकते हैं, जो कि हम इसके ऊपर फिक्स करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे ये कॉन्क्रीट के अंदर जाएगा तो उसके अंदर आसानी से फिक्स हो जाएगा। हम इसके ऊपर इसको वेल्ड कर देंगे। कंक्रीट का मिक्सचर बनाएंगे। कंक्रीट का मिक्सचर बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़े से रेता का, बदरपुर का सीमेंट का और व्हाइट सीमेंट का अच्छे बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो 250 ग्राम, यहाँ पे हमने रेता लिया है 1 किलो 250 ग्राम, हमने बदरपुर लिया है 1 किलो 250 ग्राम, हमने यहाँ पे सीमेंट लिया है, ठीक है। और तो अच्छे बॉन्ड के लिए थोड़ा सा हमने 100 ग्राम के करीब व्हाइट सीमेंट लिया है और यहाँ पे हमने 1 किलो के करीब ही पानी लिया है। तो 1 किलो का ये टोटल जो मिक्सचर है वो टोटल 5 किलो का बन जाएगा। अब इसको मेजरमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये वाला तराजू जो आता है, ये वाला स्केल आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिलेंडर नापने का काम आता है, तो ये आपके घर में हो सकता है मिल जाए, ये तो आप ये खरीद लीजिए, 100 रुपये का आता है, बहुत सस्ता है। दूसरा हमारे पास किचन स्केल है, किचन स्केल जो कम वेट को आसानी 10 किलो तक नाप लेता है, ये भी सस्ता सा आता है, 150 रुपये का, 200 रुपये का, तो आप ये भी खरीद सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ों से मेजरमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे, जो हम इसके जो अल्मोनियम का जो हमने सिलेंडर बनाया है इसके अंदर डालेंगे। दोस्तों कंक्रीट का मिक्सचर हमने बना दिया है, अब हम इसको अल्मोनियम का जो हमने मोल्ड बनाया है इसके अंदर सारा का सारा डाल देंगे। दोस्तों सारा का सारा कंक्रीट का मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जैसे कि आपने देखा। अब हम इसको 12 से 18 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, पाइप जो है वो इसके अंदर पकड़ बना लेंगे, वो इसके अंदर कंक्रीट में फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद एक हम जीआई पाइप ऊपर से इसके ऊपर वेल्ड कर देंगे, तो ये केटलबेल बन जाएगी। चलिए 18 घंटे बाद इसे देखते हैं। कंक्रीट के मिक्सचर को 18 घंटे हो चुके हैं, अब मैं एल्युमिनियम की जो शीट है जहाँ पे हमने टेपिंग करी थी उसे खोल दूंगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सारा का सारा कट कर दूंगा। दोस्तों केटलबेल बन चुकी है पूरी की पूरी शेप में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो कंक्रीट का मिक्सचर है ये निकले ना, इसके लिए हम इसके ऊपर पुट्टी कर देंगे, फिर इसके ऊपर पेंट कर देंगे, जिससे ये अच्छी लगे। मैं इसके ऊपर जीआई पाइप सबसे पहले वेल्ड करूंगा, उसके बाद मैं इसको पुट्टी करूंगा। ये 6 इंचेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 इंचेस का इसका इन दोनों पाइप के बीच में डिस्टेंस है। आपको थोड़ा सा बाहर को करके ही पाइप को लगाना है, जिससे इसकी शेप थोड़ी सी अच्छी लगे, ठीक है। इसके ऊपर एक पाइप वेल्ड कर देंगे जीआई का, जिससे इसका हैंडल की तरह काम करेगा। जीआई पाइप को वेल्ड कर दिया है, अब ये इसका हैंडल बन चुका है। आसानी से आप इसके साथ सारे के सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और ये एज अ हैंडल वर्क करेगा अच्छे तरीके से। हमने इसको इसके अंदर वेल्ड करा है, अब मैं इसके ऊपर पुट्टी की एक कोटिंग कर दूंगा और फिर हम इसके ऊपर पेंट करेंगे।
अब हम इसको यूज करके देखेंगे, इससे वर्कआउट करके देखेंगे। टोटल 5 kg की हमने बनाई है, आप चाहें तो जितनी मर्जी kg की बना सकते हैं, प्रोसेस सेम आप यही रखेंगे। चलिए देखते हैं हम इसे यूज करके। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कोशिश, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी भी तरह का आप टेक्निकल सपोर्ट चाहते हो तो द राइट स्टेप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस आइकन पर क्लिक करके, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियोज के अपडेट मिल जाए। तो जल्द मुलाकात होगी एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।